हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डी और बी की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम टोपोलॉजी में देखेंगे कि किस तरह से हम डी और बी को सेलेक्ट करते हैं डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन से तो कॉन्फ़िगरेशन को करने से पहले हम डी और बी के प्रोसेस को एक बार डिस्कस करते हैं हमने ओ की नेटवर्क की चार टाइप्स को देखा था जिसमें हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क और नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जिसे एन में भी कहते हैं ब्रॉडकास्ट नेटवर्क और नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क इन दोनों के लिए डीआर और बी का एक इलेक्शन प्रोसेस होता है तो डीआर और बी के इलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा दो पैरामीटर्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट है ओसपीएफ प्रायोरिटी। ओस प्रायोरिटी की वैल्यू जीरो से टू डबल फाइव तक हो सकती है टू डबल फाइव मैक्सिमम है और जीरो मिनिमम है तो जीरो का मतलब है कि वो राउटर डीआर और बीडीआर प्रोसेस का पार्ट ही नहीं बनेगा वो वो ना ही कभी डीआर सिलेक्ट सेलेक्ट होगा ना ही कभी बीडीआर सिलेक्ट सेलेक्ट होगा जबकि टू डबल फाइव का मतलब है कि वो राउटर ज्यादा चांसेस हैं कि वो हमेशा डीआर ही सिलेक्ट होगा अगर टू डबल फाइव किसी और राउटर पे कंफिगर्ड नहीं है तो वो ऑलवेज डी सेलेक्ट होगा अगर ओ प्रायोरिटी राउटर्स पे सेम हो जाए टाई हो जाए तो राउटर आईडी की बेस के ऊपर डीआर और पी की सिलेक्शन होती है तो राउटर आईडी जो है वो तीन चीजों पर मुश्तमिल होता है इन तीन चीजों की बेस पे सिलेक्शन होती है राउटर आईडी की फर्स्ट है कि हम राउटर आई डी मैनुअली कन्फिगर करते हैं अगर हमने मैनुअली कन्फिगर किया हुआ है तो हाइएस्ट राउटर आई जो है वो सिलेक्ट होगा उसकी बेस के ऊपर डी आर सेलेक्ट होगा अगर हमने राउटर आईडी की कॉन्फ़िगरेशन नहीं की हुई देन हाईएस्ट लू बैक इंटरफेस जो है जो लू बैक्स कन्फिगर्ड होते हैं राउटर्स के ऊपर तो उस राउटर पे जो हाईएस्ट लू बैक एड्रेस होगा वो एज अ राउटर आईडी डी सिलेक्ट होगा और अगर लू बैक एड्रेस कन्फिगर्ड नहीं है तो आईपी एड्रेसेस जो उस राउटर पे कंफिगर्ड होते हैं उसकी आईपी एड्रेसेस की जो एक्टिव इंटरफेसेस हैं उनमें से जो हाइएस्ट आई एड्रेस होगा वो एज अ राउटर आई सिलेक्ट होगा तो इन इस OSPF और राउटर आईडी की बेस के ऊपर डीआर और बी की इलेक्शन प्रोसेस होता है डीआर और बी की हम कंफिग्रेशन को डिस्कस करते हैं ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में तो ये हमारे पास एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है जिसमें पांच राउटर्स हैं राउटर आर वन आर टू आर थ्री आर फोर और आर फाइव स्विच के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं और एक ब्रॉडकास्ट डोमेन का पार्ट है अब इस पे हमने एक नेटवर्क जो कन्फिगर किया है वो है वन 29 टू डॉट वन सिक्स डॉट वन डॉट जीरो स्लैश ट्वेंटी नाइन के साथ इस नेटवर्क में से हमने डॉट वन आई पी को आर वन पे डॉट टू आई पी को आर टू पे डॉट थ्री को आर थ्री पे डॉट फोर आई पी को आर फोर पे और डॉट फाइव को आर फाइव पे कन्फिगर किया हुआ है ये तमाम राउटर्स की ये जो इंटरफेसिस हैं ये तमाम राउटर्स इंटरफेसिस हैं कीगा बेट इथरनेट जीरो बाय जीरो जो स्विच के साथ कनेक्टेड है इन राउटर्स पे हमने कोई राउटर आईडी कन्फिगर नहीं किया और कोई ओसपीएफ की प्रायोरिटी सेट नहीं की जस्ट अभी हमने ये नेटवर्क कन्फिगर किया है तो डी और बी के इलेक्शन प्रोसेस को अगर हम देखें तो हमने ओसपीएफ की प्रियोरिटी कन्फिगर नहीं की तो देन हम राउटर आईडी देखेंगे तो राउटर आईडी अब हम देखेंगे हमने मैनुअली कोई कन्फिगर नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि लू बैक अड्रेस चेक होगा अब हमने लू बैक अड्रेसिस भी कन्फिगर नहीं किए इन राउटर्स पे तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास राउटर आईडी डी ये हाइएस्ट आई एड्रेस की बेस पे चेक होगी तो इन राउटर्स पे इनकी एक ही इंटरफेस पे एक एक ही आईपी अभी तक कन्फिगर है तो वो राउटर आईडी बन जाएगा तो राउटर R1 को अगर हम देखें तो इसके लिए राउटर आईडी बनेगा 172.16.1.1 इसी तरह राउटर 2 का राउटर आईडी 172.16.1.2 राउटर 3 के लिए 172.16.1.3 राउटर R5 के लिए 172.16.1.5 राउटर R4 के लिए 172.16.1.4 तो ये हमारे पास राउटर आईडी जो है इनके सिलेक्ट हो जाएंगे अब इसमें से सबसे हाईएस्ट जो राउटर आईडी है वो यहां पे अगर हम देखें तो इनमें R5 का बनता है 172.16.1.5 तो ये राउटर जो है ये सिलेक्ट हो जाएगा डी आर देन नेक्स्ट हाइएस्ट राउटर आई जो है वो है 172.16.1.4 तो ये बी डी आर सिलेक्ट हो जाएगा और रिमेनिंग थ्री जो है 1.72, 1.6, टू वन और 1.3 ये DR अदर सिलेक्ट होंगे लेकिन OSPF में DR और BDR इलेक्शन प्रोसेस जो होता है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो ये है कि OSPF में ये जो सिलेक्शन है ये नॉन प्रेम्पन है अब यहां नॉन प्रेम्पन का मतलब ये है कि अगर राउटर R1 और R2 स्टार्ट में हमने पावर ऑन किए हैं तो DR और BDR का इलेक्शन प्रोसेस राउटर R1 और R2 के दरमियान होगा तो इनमें से कोई एक DR आर सिलेक्ट हो जाएगा और दूसरा BDR डी आर सिलेक्ट हो जाएगा इलेक्शन प्रोसेस की बेस पे ये जो प्रायोरिटीज हैं इनकी बेस पे उसके बाद अगर हम रिमेनिंग राउटर्स ऑन करते हैं एक बार अगर इलेक्शन प्रोसेस हो गया डी और बी डी हो गए और उसके बाद अगर हम कोई दूसरे राउटर्स ऑन करते हैं जिनकी प्रायोरिटी जो है इन राउटर्स से हाईएस्ट है तो वो डीआर और बीडीआर नहीं बनेंगे क्योंकि डीआर और बीडीआर का प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है वो डीआर अदर्स के तौर पे इस नेटवर्क में ऐड हो जाएंगे अब अगर हम चाहते हैं कि कोई दूसरा राउटर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला राउटर जो है वो टीआर या बीडीआर बने तो हमें क्या करना होगा हमें डीआर और बीडीआर जो सिलेक्ट राउटर है उनके ऊपर एक कमांड रन करनी होगी हमें ओ का जो प्रोसेस है उस पर क्लियर करना होगा फॉर एग्जांपल हम तो करते हैं कि राउटर आर वन जो है वो हमने आर वन और आर टू स्टार्ट में पावर ऑन किए थे और इनमें इलेक्शन प्रोसेस हो गया तो हाईएस्ट राउटर आईडी डी आर टू का है इस केस में राउटर आर वन और आर टू में हाइएस्ट राउटर आई डी आर टू का बनेगा वन सेवेंटी टू वन सिक्स वन डॉट टू तो ये डी आर बन जाएगा और राउटर आर वन बी डी आर बन जाएगा अब अगर हम रिमेनिंग तीन राउटर आर थ्री आर फाइव और आर फोर को पावर ऑन करते हैं तो वो इस नेटवर्क का पार्ट बन जाएंगे इस ब्रॉडकास्ट डोमेन में वो ऐड हो जाएंगे एज अ डी आर अदर क्योंकि डी आर और बी डी आर का इलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है दोबारा से प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि अगर दोबारा से प्रोसेस हुआ जैसे ही हम इस राउटर को ऐड करेंगे तो क्या होगा कि अगर वो प्रोसेस दोबारा रन हुआ तो नेटवर्क में चेंज आएगा तो उस चेंज से बचने के लिए उस फ्लैप से बचने के लिए डी और बी का इलेक्शन प्रोसेस एक ही दफा होता है अब अगर हम चाहते हैं कि ये राउटर R5 क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी का राउटर ये R5 है जिसका राउटर आईडी सबसे ज्यादा है 172.16.1.5 तो इसे तो डी बनना चाहिए तो हमें क्या करना होगा हमें राउटर R2 पे जो कि DR बना होगा उसके ऊपर OSPF के प्रोसेस को क्लियर करना होगा अब अगर हमने इस राउटर को OSPF के प्रोसेस को क्लियर कर दिया राउटर R2 पे जो तो DR तो R1 बन जाएगा क्योंकि स्टार्ट में जो इलेक्शन प्रोसेस R1 और R2 के दरमियान हुआ था और R1 BDR है तो हमें इन दोनों राउटर्स पे OSPF के प्रोसेस को क्लियर करना होगा क्योंकि हम चाहते हैं कि दोबारा से DR और BDR का इलेक्शन प्रोसेस हो। तो जब दोबारा से डी और बी का इलेक्शन प्रोसेस होगा तो इन प्रायोरिटीज की बेस के ऊपर अब राउटर आर फाइव जो है वो डी सेलेक्ट हो जाएगा और आर फोर जो है वो बीडीआर सेलेक्ट हो जाएगा इसकी कन्फिगरेशन को हम देखते हैं तो इस टोपोलॉजी में हमारे पास पांच राउटर्स हैं राउटर आर वन आर टू आर थ्री आर फोर और आर फाइव जो कि पावर ऑन हो चुके हैं और इनके ऊपर एक नेटवर्क कन्फिगर है वन सेवेंटी टू वन सिक्स वन डॉट जीरो स्लैश ट्वेंटी नाइन और ये हमें रीचेबल है हम यहां सी एल आई पे इनकी रीचेबिलिटी वेरीफाई कर सकते हैं वन सेवेंटी टू वन सिक्स वन डॉट वन तो राउटर आर वन हमें रीचेबल है इसी तरह वन डॉट टू राउटर आर टू भी हमें रीचेबल है वन डॉट थ्री राउटर आर थ्री हमें रीचेबल है वन डॉट फोर राउटर आर फोर भी हमें रीचेबल है राउटर आर फाइव आर फाइव भी हमें रीचेबल है तो हम यहां पे एक्सेस करते हैं राउटर R1 को सबसे पहले हम राउटर R1 की कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं तो वन सेवेंटी टू वन टेलनेट करते हैं और इसे इसके क्रीडेंशियल से एक्सेस करते हैं राउटर तो R1 हमें एक्सेस हो चुका है इस राउटर R1 वन पे अगर हम शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करें तो हम यहां पे आई एड्रेस की कंफिग्रेशन देख सकते हैं तो गीगाबिट इथरनेट जीरो बाय जीरो के ऊपर वन सेवेंटी टू वन सिक्स वन डॉट वन की कॉन्फ़िगरेशन हुई है जिसका एडमिनिस्ट्रेटिवली सिस्टम्स भी अप है और इसका प्रोटोकॉल भी अप है तो दोनों स्टेटस इसके अप है अब हम इस करंटली कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ओ की तो इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि इसके ऊपर कोई ओ की कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई राउटर आर वन पे तो हम इस पर कंफिग्रेशन करते हैं हम कन्फिग टर्मिनल में राउटर ओ एसपीएफ दैन प्रोसेस आई डी वन सिलेक्ट करेंगे यहां पे अब हम कंप्लीट नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं 0.0.0 और देन वाइल्ड कार्ड मार्च टू डबल फाइव टू डबल फाइव टू डबल फाइव टू डबल फाइव तो इसका मतलब ये होगा कि इस राउटर R1 पे जितनी भी इंटरफेसिस हैं उन जिनके ऊपर कोई भी आईपी एड्रेस कन्फिगर होगा तो उसके ऊपर हम ये ओस का प्रोसेस जो है वो रन करेंगे और हम इसे एरिया जीरो का पार्ट बना देंगे तो एरिया जीरो में हमने ये राउटर आर वन पे कन्फिग्रेशन कर दी है अभी इस राउटर आर वन की अगर हम इंटरफेस को देखें शो आई पी पी एफ इंटरफेस गीगा बेट इथरनेट जीरो बाई ज़ीरो तो इस इंटरफेस को अगर हम देखें तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कन्फिगर्ड है वन सेवेंटी टू वन सिक्स वन डॉट वन स्लैश ट्वेंटी नाइन ये इंटरफेस एरिया जीरो का पार्ट है और इसकी नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट है और राउटर आईडी क्या सिलेक्ट हुआ है 172.16.1.1 क्योंकि अभी तक कोई एड्रेस लूपैक नहीं है तो राउटर आई डी वन हुआ टू अब हम राउटर R2 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम राउटर R2 को एक्सेस करते हैं राउटर R2 को हमने एक्सेस कर लिया शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ से हम यहां पे कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं कि गीगाबिट बेट जीरो जीरो आईपीड्रेस कंफिगर है जिसका एडमिनिस्ट्रेटिवली स्टेटस भी अप है और इसका लाइन प्रोटोकॉल भी अप है अब हम इस पे OSPF की परेशन देखते हैं शो रनिंग कन्फिग्रेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर ओ एसपीएफ हम वेरीफाई करते हैं कि ओसपीएफ की कंफिग्रेशन हुई है कि नहीं तो अभी तक ओसपीएफ की कोई कंफिगुरेशन नहीं हुई तो हम इस पर ओसपीएफ की कंफिगुरेशन करते हैं राउटर ओ एसपीएफ देन हम प्रोसेस आई डी वन सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम कंप्लीट नेटवर्क ऐड कर देंगे जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो देन हम वाइल्ड कार्ड मास्क सिलेक्ट करेंगे टू डबल फाइव डॉट टू डबल फाइव डॉट टू डबल फाइव डॉट टू डबल फाइव और इसे हम एरिया जीरो का पार्ट बना देंगे तो राउटर आर टू हमने ओ एस पी एफ का प्रोसेस जो है वो रन कर दिया है राउटर आर टू की अगर हम इंटरफेस को देखें शो आई पी ओस पी एफ इंटरफेस जो कि है गीगाबिट ईथरनेट जीरो बाय जीरो इस इंटरफेस को भी हम देख सकते हैं इसके ऊपर एड्रेस कॉन्फिगर है 172.161.2/29 ये एरिया जीरो का पार्ट है और नेटवर्क टाइप इसकी ब्रॉडकास्ट है और राउटर आईडी क्या सिलेक्ट हुआ है 172.161.2 क्योंकि कोई लूप बैक एड्रेस कॉन्फिगर नहीं है अब चूंकि राउटर R1 और R2 दोनों की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है और ये ब्रॉडकास्ट नेटवर्क का पार्ट है तो क्या होगा कि इन दोनों में से कोई एक डी आर सेलेक्ट हो जाएगा और दूसरा बी डी आर सेलेक्ट हो जाएगा तो राउटर आर टू पे अगर हम शो आई पी ओ एस पी एफ नेबर की कमांड एंटर करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि वन सेवेंटी टू वन सिक्स वन डॉट वन जो के नेबर है राउटर आर वन है उसके साथ फुल नेबरशिप एस्टेब्लिश हो गई है और उसका उसकी स्टेट है डी आर Means के ये राउटर 1.1 जो आर R1 है वो डी आर सिलेक्ट हुआ राउटर आर वन डी आर क्यों सिलेक्ट हुआ है क्योंकि उसे हमने सबसे पहले पावर ऑन किया था यहां पे हम इसका एड्रेस देख सकते हैं 1.1 राउटर आर का एड्रेस है जो बेसिकली राउटर आईडी होता है वो है वन तो राउटर आर में हम ये देख रहे हैं तो राउटर R2 ने नेबरशिप स्टैब्लिश कर ली है राउटर R1 के साथ और राउटर R1 वन एज अ डी आर हुआ है अब हम राउटर R3 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं राउटर R3 को हम एक्सेस करते हैं राउटर आर थ्री पर अगर हम शो आई पी इंटरफेस ब्रीफ करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि गीगा बेट इथरनेट जीरो बाई जीरो जो है ये हमने कन्फिगर की है जिसके ऊपर आई पी है वन सेवेंटी टू वन सिक्स वन डॉट थ्री जिसका एडमिनिस्ट्रेटिवली स्टेटस भी अप है और इसका लाइन प्रोटोकॉल भी अप है तो इस पर हम कन्फिगरेशन देखते हैं ओ एस पी एफ की कि ओ एस पी एफ की कोई कन्फिगरेशन हुई हुई है कि नहीं तो इस पर कोई ओ एस पी एफ की नहीं हुई हुई तो हम कन्फिग टर्मिनल में राउटर ओ एस पी एफ प्रोसेस आई डी वन देन हम नेटवर्क एड करते हैं जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो और देन वर्ल्ड कार्ड मार्क्स टू डबल फाइव टू डबल फाइव टू डबल फाइव टू डबल फाइव और हम इसे एरिया जीरो का पार्ट बना देते हैं तो अब राउटर आर थ्री को भी हमने कन्फिगर कर दिया है राउटर आर थ्री का राउटर आई डी बेसिकली हाई है बाकी दोनों राउटर से लेकिन राउटर आर थ्री जो है यह डी आर सिलेक्ट नहीं होगा ये डी आर अदर सेलेक्ट होगा क्योंकि डी आर और बी डी आर का प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है तो शो आईपी ओ एसपीएफ इंटरफेस गीगाबेट इथर्नेट जीरो राउटर आर थ्री अगर हम इंटरफेस को देखें तो हम देख सकते हैं कि राउटर आई डी सिलेक्ट हुआ है राउटर आर थ्री पे वन सेवनटी टू वन सिक्स वन डॉट थ्री और इसकी नेटवर्क टाइप है ब्रॉडकास्ट अब यहां पे हम शो आई पी ओएसपी एफ नेबर अगर देखें तो हम यहां देख सकते हैं कि वन सेवेंटी टू वन सिक्स वन डॉट वन डी आर है राउटर आर थ्री ने, ने, ने नेबरशिप बनाई है 172.161.1 के साथ जो कि सिक्स है और 172.161.2 के साथ इसने नेबरशिप बनाई है जो कि बी टू वन सिक्स टू के साथ कंफिग्रेशन है। तो करते हैं पांचों के पांचों आउटर्स की और देन हम क्लियर प्रोसेस करेंगे एसपीएफ का ताकि हम इंपैक्ट चेक कर सकें कि डी आर और बीडीआर का प्रोसेस दोबारा से रन करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से प्रायोरिटी की बेस पे प्रायोरिटी वाला राउटर जो है वो डी आर सिलेक्ट होगा तो अभी हम राउटर आर फोर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहां हम देख सकते हैं कि गीगाबिट इथरनेट जीरो बाय जीरो जो है उसे हमने कॉन्फ़िगर किया है वन सेवेंटी टू वन सिक्स वन डॉट फोर उसका आईपी है शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर ओ एसपीएफ हम ओएसपीएफ की कंफिग्रेशन देखते हैं तो राउटर आर फोर पर कोई कंफिग्रेशन नहीं हुई हुई तो हम कंफिग्रेशन करते हैं राउटर ओ एसपीएफ परोसेस आई डी वन और हम नेटवर्क ऐड करते हैं जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो और वर्ल्ड कार्ड मास टू डबल फाइव टू डबल फाइव टू डबल फाइव टू डबल फाइव और एरिया जीरो का पार्ट बना देते हैं तो राउटर आर फोर पे हमने कंफिग्रेशन कर दी है शो आई पी ओ एस पी एफ इंटरफेस गीगाबिट इंटरनेट 0/0 को अगर हम देखें तो इसकी भी नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट है और राउटर आईडी क्या सिलेक्ट हुआ है 172.161.4 अब इसने भी नेबरशिप बना ली होगी शो आईपी ओएसपीएफ नेबर की कमांड से हम नेबरशिप वेरीफाई कर सकते हैं तो राउटर R1 के साथ 172.161.1 के साथ इसने नेबरशिप बनाई है फुली और वो राउटर R1 DR है BDR राउटर R2 है 172.161.2 जबकि राउटर आर थ्री के साथ इसने नेबरशिप जो है वो कंप्लीट नहीं बनाई हम देख सकते हैं कि उसकी स्टेट डी आर अदर है तो राउटर आर थ्री बेसिकली यहां से हमें पता लग रहा है कि वो डी आर अदर है और नेबरशिप के टू वे के प्रोसेस के ऊपर स्टेट जो है टू वे और ये इसका राउटर आई डी वन सेवेंटी टू वन सिक्स वन डॉट थ्री है राउटर आर थ्री का राउटर आर फाइव की हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो राउटर R5 की हम इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो यहां हम देख सकते हैं कि गीगा बट इथरनेट जीरो को हमने कॉन्फ़िगर किया है जिसके ऊपर आईपी एड्रेस है है एडमिनिस्ट्रेटिवली स्टेटस भी और लाइन प्रोटोकॉल भी अप है हम यहां पे ओ की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर ओ तो ओसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन राउटर आर फाइव पे नहीं हुई थी तो नहीं हुई हुई तो अब हम यहां पे ओ की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं प्रोसेस आई डी वन नेटवर्क हम कंप्लीट मेंशन करेंगे और हम इसे एरिया जीरो का पार्ट बना देते हैं तो राउटर आर फाइव पे भी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है शो आईपी ओ इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट जीरो बाय जीरो को अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि राउटर आई सिलेक्ट हुआ है वन और इसकी नेटवर्क टाइप जो है वो है ब्रॉडकास्ट हम राउटर R5 की बात कर रहे हैं अब यहां पे शो आई पी ओ नेबर अगर हम करें तो अब हम यहां पे देख सकते हैं कि राउटर R1 जो है उसके साथ फुली नेबरशिप स्टैब्लिश हो गई है और वो राउटर R1 DR है राउटर R2 BDR है और नेबरशिप जो है वो फुली एस्टैब्लिश हुई है जबकि R3 और R4 के साथ नेबरशिप जो है वो फुली एस्टैब्लिश नहीं हुई नेबर का स्टेट जो है वो टू वे है और R3 और R4 जो है वो दोनों डी आर अदर्स हैं। तो पांचों के पांचों राउटर्स पे OSPF की कंफिग्रेशन कंप्लीट हो चुकी हुई है तो अब हम यहां पे देख सकते हैं कि राउटर R1 जो है वो डी आर है तो अब हमें OSPF के प्रोसेस को दोबारा रन करना है तो हमें क्या करना होगा हमें एक्टिव राउटर पे। तो अब इस टोपोलॉजी में एक्टिव राउटर जो है वो राउटर आर है जो कि डी है डी ही अब ओएसपीएफ की जो एलएसएस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है दूसरे routers को तो हमें बेसिकली इस प्रोसेस को क्लियर करने के लिए दोबारा रन करने के लिए डी के ऊपर क्लियर ओसपीएफ की कमांड रन करनी होगी और डी आर राउटर आर वन है तो राउटर आर वन पे जब हम ये प्रोसेस रन करेंगे क्लियर का तो क्या होगा कि ये जो बी डी आर है ये डी आर बन जाएगा जो कि राउटर आर टू है तो राउटर आर टू जो है ये डी आर बन जाएगा और डीआर अदर्स में से अब कोई सिलेक्शन होगी और एक राउटर एज आ डी आर बी डी आर सिलेक्ट होगा क्योंकि डी आर यह राउटर आर टू बन चुका होगा तो हाइएस्ट प्रायोरिटी की बेस के ऊपर अगर हम देखें तो राउटर आर फाइव जो है उसकी राउटर आर डी ज्यादा थी तो वो बी डी आर बन जाएगा तो हम राउटर आर वन को ओपन करते हैं तो राउटर आर वन जो है इसके ऊपर अब हम क्लियर आई पी एफ प्रोसेस की कमांड रन करते हैं तो इससे क्या होगा ओएसपीएफ का प्रोसेस क्लियर हो जाएगा राउटर आर वन पे जो कि एक्टिव राउटर था डी आर था तो अब हम यहां पे अगर नेबरशिप की स्टेट्स को देखें तो अब हमारे पास राउटर आर टू जो है वो बी डी आर बन चुका है डी आर बन चुका है क्योंकि वो पहले बी डी आर था तो अब वो डी आर बन चुका है लेकिन प्रोसेस दोबारा रन हुआ और डी आर अदर्स में से अब राउटर आर फाइव जिसकी हाइएस्ट प्रायोरिटी थी वो बी डी आर सेलेक्ट हो गया है तो अब हमें क्या करना होगा हमें ये राउटर आर टू पे भी क्लियर प्रोसेस करना होगा ताकि प्रायोरिटी की बेस के ऊपर हम देखेंगे कि राउटर आर फाइव जो है वो डी आर सेलेक्ट होगा और राउटर आर फोर जो है वो बी डी आर सेलेक्ट होगा तो अब हम ओपन करते हैं राउटर आर टू को और पर भी क्लियर ओएसपीएफ प्रोसेस कर देते हैं तो हमने ओएसपीएफ का प्रोसेस आर टू पर क्लियर कर दिया जो कि इस वक्त DR बन चुका था तो अब अगर हम शो ओएसपीएफ नेबर करें तो अभी तक हमारे पास दोबारा से नेबरशिप एस्टेब्लिश नहीं हुई हम इस कमांड को दोबारा रन करते हैं तो अब हमारे पास नेबरशिप स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो गई है लेकिन फुली स्टैब्लिश नहीं हुई तो अब हमारे पास नेबरशिप फुली स्टैब्लिश हो गई है एक बार दोबारा से हम इस कमांड को रन करके देखते हैं तो अब हम देख सक देख पा रहे हैं कि राउटर R5 जो है वो डी बन चुका है प्रायोरिटी की बेस पे और राउटर R4 जो है वो बी है सेकेंड हाइएस्ट प्रियोरिटी का क्योंकि इसका राउटर आईडी वन डॉट फोर सेकेंड हाइएस्ट है और रिमेनिंग राउटर जो है वो डी आर अदर्स है राउटर आर वन बी अदर है स्टेट टू वे है राउटर आर थ्री डी आर अदर है जिसकी स्टेट टू वे है और करंटली हम जिस राउटर पे हैं वो है राउटर आर टू जो आर अदर है जिसको हम किसी दूसरे राउटर में शो आई पी ओसपीएफ नेबर की कमांड से वेरीफाई कर सकते हैं और अगर हम राउटर आर टू पे शो आईपीओसपीएफ इंटरफेस गीगाट जीरो इंटरफेस जो ओसपीएफ का पार्ट है उसके ऊपर ये हम कमांड रन करें तो यहां पे अब हमें इंफॉर्मेशन पता लग रही है कि इसका राउटर आईडी 1.2 है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है और यहां पे अब हम देख सकते हैं कि इसकी स्टेट टी आर अदर है तो यहां से हमें इसकी स्टेट पता लगी ना सिर्फ स्टेट पता लगी बल्कि डेजिग्नेटेड राउटर भी हमें यहां से इंफॉर्मेशन पता लग रही है कि 1.5 डॉट फाइव डेजिग्नेटेड राउटर है जो कि R5 है और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर 1.4 है जो कि R4 है नेक्स्ट हम कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी सी चेंज करते हैं इस बार हम क्या करेंगे कि राउटर R5 पे जो के प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन में DR आर सेलेक्ट है, हम उसके ऊपर एक लूप बैक एड्रेस भी कॉन्फ़िगर कर देंगे तो जस्ट हम यह चेंज करेंगे तो जो राउटर्स R1, R2, R3, R4 है उनका राउटर आईडी सेम रहेगा पहले की तरह लेकिन अब राउटर R5 पे ना सिर्फ इंटरफेस का बल्कि एड्रेस भी कंफिगर कर दिया गया है तो राउटर आई की अगर हम डी आर बी डी आर इलेक्शन प्रोसेस में इसका स्टेप्स देखें तो राउटर आई जो है वो अब हाइएस्ट एड्रेस जो है वो सिलेक्ट होगा तो लूबैक एड्रेस हमने 5.5.5.5 डॉट किया है तो राउटर आर के लिए अब राउटर आई डी बन जाएगा लेकिन हमें करके प्रोसेस को दोबारा क्लियर करना पड़ेगा ताकि ये राउटर आईडी जो है वो उस प्रोसेस में सिलेक्ट हो 5.5.5.5 हमें ओ के प्रोसेस को दोबारा से रन करना होगा तो अब इस केस में देखें तो अब क्या होगा कि आईडी हाईएस्ट किसका है राउटर आर फोर का है 172 ये फाइव वैल्यू कम है 172 से और राउटर आर वन से आर फोर में हाइएस्ट वन सेवनटी टू वन सिक्स वन डॉट फोर है तो ये डी आर सिलेक्ट होगा वन सेवेंटी टू वन सिक्स वन डॉट थ्री जो है ये बी डी आर सेलेक्ट होगा तो हम यहां पर राउटर आर वन को ओपन करते हैं R1 को हम ओपन कर रहे हैं ये देखने के लिए कि हम अभी हमें करंटली पता लगे कि डी आर और बीडीआर कौन है तो शो आईपीएफ नेबर इस कमांड से हम देखेंगे तो यहां पर अब हमें पता लग रहा है कि राउटर आर फाइव जो है वो डी आर है और बी बीडीआर राउटर आर फोर है और इनके राउटर्स आईडी जो हैं वो अभी तक वही इंटरफेस के आईपी ड्रेसिस हैं तो अब हमने राउटर आर फाइव को ओपन करना है और राउटर आर फाइव पे हमने लूप बैक ड्रेस कॉन्फ़िगर करना है तो राउटर आर फाइव पे हम कॉन्फ़िग टर्मिनल में इंटरफेस लूप बैक जीरो बनाते हैं और इसका आईपी ड्रेस सेट करते हैं फाइव डॉट फाइव डॉट 5.5 और सबनेट मास टू डबल फाइव टू डबल फाइव टू डबल फाइव टू कर दिया है लेकिन ये राउटर R5 का आर एड्रेस का राउटर आईडी नहीं बन जाएगा शो आई पी ओसपीएफ इंटरफेस गीगाबेट इथरनेट जीरो बाई जीरो को अगर हम देखें तो हम यहां देख सकते हैं कि इसका राउटर आईडी अभी भी वन डॉट फाइव है तो हमें प्रोसेस को कंप्लीट क्लियर करना होगा लेकिन अब अगर हम राउटर आर फाइव पे ओसपीएफ के प्रोसेस को क्लियर करेंगे तो क्या होगा राउटर R5 अब डी आर नहीं रहेगा डी आर कौन बन जाएगा R4 क्योंकि R4 क्योंकि अभी करंटली पीडीआर है शो आई पी ओस पी एफ नेबर अगर हम करें तो बी डी आर जो है वो राउटर R4 है तो इसका मतलब यह राउटर R5 को अगर हम डाउन करते हैं या इसका प्रोसेस डाउन करते हैं तो ये बी डी आर जो है ये डी आर बन जाएगा तो राउटर आर फोर जो है ये डी आर बन जाएगा और राउटर आर थ्री प्रायोरिटी की बेस के ऊपर BDR बन जाएगा। तो हम राउटर आर फाइव पे क्लियर आई पी ओएसपी एफ प्रोसेस करते हैं अब हम इंटरफेस का OSPF इंटरफेस का स्टेटस देखते हैं तो ओ जो है वो अभी उसका राउटर आईडी जो है वो अभी भी वन डॉट फाइव सेलेक्ट है और स्टेट उसकी वेटिंग में है इसका राउटर आईडी जो है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ तो हमें इस राउटर पे इस राउटर पे जो प्रोसेस है उसको कंप्लीटली रिस्टार्ट करवाना पड़ेगा और हमें हो सकता है कि इस राउटर को एक बार रिबोट भी करवाना पड़ेगा तो अभी तक हम देख पा रहे हैं कि राउटर आईडी सेम है तो इसके लिए या तो हमें तमाम राउटर्स पे क्लियर आई करेंगे या हम यहां पर राउटर आर पे राउटर ओ वन और हम नेटवर्क जो है वो डिलीट करते हैं टू डबल फाइव टू डबल फाइव टू डबल फाइव टू डबल फाइव इसे हमने एरिया ज़ीरो का पार्ट बनाया था और अब हम इसे नेटवर्क को दोबारा ऐड कर देते हैं तो हम दोबारा से बेसिकली एक बार से ओ उन इंटरफेसिस को ओस से निकाल के दोबारा से वो नेटवर्क कन्फिगर कर रहे हैं ताकि वो दोबारा ओस पी एफ उन इंटरफेसिस पे रन हो तो इस बार जब दोबारा ओस पी एफ उन इंटरफेसिस पे रन होगा तो हम देखेंगे शो आई पी ओस पी एफ इंटरफेस कीगा इटरनेट जीरो बाई ज़ीरो अभी भी राउटर आई डी हमारे पास सेलेक्ट नहीं हुआ फाइव डॉट फाइव तो हम राउटर आर फाइव पे नो राउटर ओ एस पी एफ़ ओ एस पी एफ़ को हम यहां से ख़त्म कर देते हैं और दोबारा से राउटर ओ एस पी एफ़ वन ओ एस पी एफ़ को रन करते हैं नेटवर्क ज़ीरो डॉट जीरो डॉट ज़ीरो डॉट ज़ीरो दैन टू डबल फ़ाइव टू डबल फाइव टू डबल फ़ाइव टू डबल फ़ाइव और एरिया ज़ीरो का तो अब हम दोबारा से वेरीफ़ाई करते हैं शो आई पी ओ एस पी एफ़ इंटरफेस्थ की गाइथनट ज़ीरो बाई जीरो तो अब हम देख पा रहे हैं कि राउटर आईडी जो है वो फाइव डॉट फाइव डॉट फाइव डॉट फाइव राउटर हो चुका है वो DR आर बन चुका है और राउटर आर जो है वो BDR बन चुका है तो अब हमें इन दोनों राउटर पे क्लियर प्रोसेस करना होगा ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि राउटर कौन सा राउटर जो है वो प्रायोरिटी की बेस के ऊपर टीआर और बी डी सिलेक्ट होगा तो हम राउटर आर फोर को ओपन करते हैं यहां पे हम क्लियर आईपी पी प्रोसेस करते हैं देन हम राउटर आर थ्री को ओपन करते हैं और इस पर भी क्लियर आई पी ओस पी एफ प्रोसेस करते हैं अब अगर हम शो आई पी ओस पी एफ नेबर करें हम राउटर आर थ्री हैं तो अभी तक हमारे पास डी आर का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक हमारे पास सब की स्टेट स्टेट्स जो हैं वो डी आर अदर्स हैं तो हम वेट करते हैं यह प्रोसेस कंप्लीट हो और हमारे पास सिलेक्शन होगी डी आर और बी टी आर की और इस बार हम देखेंगे राउटर आर फोर डी आर बनेगा क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी अब राउटर आर फोर की है क्योंकि राउटर आर फाइव की जो राउटर आईडी है वो फाइव डॉट फाइव डॉट फाइव डॉट फाइव है जो कि लोएस्ट है तो राउटर आर फोर को डी आर बनना चाहिए और राउटर आर थ्री को भी डी आर बनना चाहिए क्योंकि आर फोर के बाद राउटर आई डी हाइएस्ट है आर थ्री की तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है और अब हम देख पा रहे हैं कि वन डॉट फोर जो है वो डी आर बन चुका है तो राउटर आर फोर जो है वो डी आर बन चुका है राउटर आर थ्री की हम स्टेट चेक करते हैं शो आई पी ओ एस पी एफ इंटरफेस गीगा इथरनेट जीरो बाई जीरो पे हम देख सकते हैं कि राउटर आई डी वन डॉट थ्री या राउटर आर थ्री है और ये इसकी स्टेट पी डी आर है ये बी डी आर सेलेक्ट हुआ हुआ है डेजिग्नेटेड राउटर यहां से हमें पता लग रहा है वन सेवनटी टू वन सिक्स वन डॉट फोर है और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर वन सेवनटी टू वन सिक्स वन डॉट थ्री है जो कि यही राउटर है क्योंकि इसका राउटर आई डी सेम है बैकअप डेजिग्नेटेड आई आईडी ये दोनों सेम है तो इसका मतलब है कि यही R3 जो है अब हम कन्फिग्रेशन में तमाम राउटर्स लूबैक कर देंगे ताकि उनके लूब बैक जो है और हम देखेंगे कि वो लूब बैक जो है वो राउटर आईडीज में सेलेक्ट होंगे अब इंटरफेसिस नहीं बल्कि राउटर आई में अब ये हाईएस्ट लूब बैक ड्रेस जो है वो सिलेक्ट होगा तो हाइएस्ट लूब बैक राउटर आर का होगा तो स्टेट्स नॉर्मल होने के बाद हम देखेंगे राउटर आर फाइव डी आर बन चुका होगा और राउटर आर फोर जो है वो बी डी आर बन चुका होगा तो हम राउटर आर वन को ओपन करते हैं 172, 16, 1 .1, और हमने इस पे लू बैक ड्रेस की कंफिगर करनी है तो टर्मिनल में इंटरफेस लू बैक ड्रेस जीरो और हम इस पे आईपी ड्रेस कन्फिगर करते हैं वन डॉट वन डॉट वन डॉट वन और सब्रेन मास्क टू डबल फाइव टू डबल फाइव टू डबल फाइव डबल फाइव अब हम इस पर अगर वेरीफाई करें शो आई पी ओसपीएफ इंटरफेस की गैथनेट जीरो बाई जीरो तो हम देख पा रहे हैं कि अभी तक राउटर आईडी जो है वो चेंज नहीं हुआ तो हम इसके ऊपर ओएसपीएफ का प्रोसेस जो है वो दोबारा से रन करना होगा तो हम उसके लिए राउटर ओ प्रोसेस आई डी वन नो नेटवर्क जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो टू डबल फाइव टू डबल फाइव बल्कि हमें नो राउटर लास्ट टाइम की तरह नो राउटर ओ एस पी एफ वन हम ओ एस पी एफ का प्रोसेस डिलीट कर रहे हैं देन हम दोबारा से ओ एस पी एफ की कन्फिगरेशन करते हैं राउटर ओ एस पी एफ प्रोसेस आई डी वन और देन अब हम नेटवर्क कन्फिगर करते हैं जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो वाइल्ड कार्ड मास टू डबल फाइव टू डबल फाइव टू डबल फाइव टू डबल फाइव और हम इसे एरिया जीरो का पार्ट बनाएंगे तो इस पर हम देखेंगे कि शो आई पी ओ एस पी एफ इंटरफेस गीगा एथनेट जीरो बाई जीरो तो अब हम देख पा रहे हैं कि राउटर आई डी वन डॉट वन डॉट वन डॉट वन सिलेक्ट हो चुका है इसी तरह राउटर आर टू पे कन्फिक टर्मिनल इंटरफेस लूबेक एड्रेस जीरो आईपी एड्रेस टू डॉट टू डॉट टू डॉट टू और सब ब्रांड मार्स टू डबल फाइव टू डबल फाइव टू डबल फाइव टू डबल फाइव और नो राउटर ओ एस पी एफ वन उटर ओ एस पी एफ वन और हम इसमें नेटवर्क एड कर देंगे वर्ल्ड कार्ड मार्क्स टू डबल फाइव टू डबल फाइव टू डबल फाइव टू डबल फाइव और एरिया जीरो का पार्ट है ये तो अब अगर हम शो आई पी ओ इंटरफेस की गई इथर्नेट जीरो बाई जीरो करें तो हम देख पा रहे हैं कि राउटर आई डी टू डॉट टू डॉट टू डॉट टू सिलेक्ट हो चुका है राउटर आरती की हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं लो बैक अड्रेस आर थ्री पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे थ्री डॉट थ्री डॉट थ्री डॉट थ्री सबनेट मास्क टू डबल फाइव टू डबल फाइव टू डबल फाइव टू डबल फाइव और हम इस पर नो राउटर ओ एस पी एफ वन देन राउटर ओ एस पी एफ वन और नेटवर्क हम जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो कार्ड मास्क टू डबल फाइव टू डबल फाइव टू डबल फाइव टू डबल फाइव और एरिया जीरो का पार्ट बनाएंगे तो अब शो आई पी ओ एस पी एफ इंटरफेस की गैथनेट जीरो बाई जीरो अगर देखें तो इस पर भी राउटर आई डी थ्री डॉट थ्री डोट थ्री डॉट थ्री हो चुका है राउटर आर फोर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कन्फिक टर्मिनल में इंटरफेस लूप बैक एड्रेस जीरो आई पी एड्रेस हम इसे देंगे फोर डॉट फोर डॉट फोर डॉट फोर और सब रैंड मास्क टू डबल फाइव टू डबल फाइव टू डबल फाइव टू डबल फाइव नो राउटर ओ एस पी एफ देन राउटर और नेटवर्क हम ऐड कर देंगे और हम इसे जी एरिया जीरो का पार्ट बना देंगे तो अब, अब अगर हम वेरीफाई करें शो आई पी ओ इंटरफेस गीगा इथरनेट जीरो बाय जीरो तो हम देख सक रहे हैं कि राउटर आईडी फोर डॉट फोर डॉट फोर डॉट फोर ये सिलेक्ट हो चुका है उटर R5 की कॉन्फ़िगरेशन हमने लूपबैक ड्रेस की लास्ट स्टेप में ऑलरेडी कर ली थी तो अगर हम इस पर वेरीफाई करें शो आई पी एफ इंटरफेस की गैथोनेट जीरो जीरो तो हम यहां पे देख पा रहे हैं कि राउटर आई डी फाइव डॉट फाइव डॉट फाइव ऑलरेडी सेलेक्ट तो अब हम डी आर और बी डी आर के प्रोसेस को देखते हैं शो आई पी हम राउटर आर फाइव पे हैं शो आई पी ओस पी एफ अगर हम करें तो अब हम यहां पे देख रख देख सकते हैं कि बी डी आर जो है वो फोर डॉट फोर डॉट फोर डॉट फोर है जबकि डी आर यहां पर कोई शो नहीं हो रहा जिसका मतलब ये हो सकता है कि राउटर आर फाइव ही डी आर हो सकता है तो शो IP, OSPF, 0 /0 अगर हम करें तो हम इसकी स्टेट देख सकते हैं तो डेजिग्नेटेड राउटर जो है वो फाइव डॉट फाइव डॉट फाइव डॉट फाइव है जो कि यही राउटर है क्योंकि इसका राउटर आई डी फाइव डॉट फाइव डॉट फाइव डॉट फाइव है और हम एक और चीज देख सकते हैं कि शो आई पी ओ एस पी एफ नेबर अब हम करें तो हम देख सकते हैं कि ये नेबर आईडीज जो हैं ये राउटर आईडीज राउटर्स के अब लूपैक एड्रेसेस वाले सिलेक्ट हुए 1.1.1.1 टू डॉट टू डॉट टू थ्री डॉट थ्री डॉट थ्री डॉट थ्री और फोर डॉट फोर डॉट फोर डॉट फोर जो कि राउटर आर वन आर टू आर थ्री और आर फोर है अब यहां पर आर फाइव डी आर सिलेक्ट हुआ आर फोर बी डी आर हुआ और रिमेनिंग थ्री राउटर्स जो हैं वो, DR है वो डी आर अदर्स है तो कॉन्फ़िगरेशन में अब हम थोड़ी सी और चेंज करेंगे और इस बार हम मेनुअली राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करेंगे लेकिन इस बार हम राउटर आईडी जो है वो दो राउटर्स पे कॉन्फ़िगर करेंगे हम राउटर आईडी को R5 पे कॉन्फ़िगर करेंगे 1.0.0.5 और R4 पे करेंगे 1.0.0.4 तो राउटर आईडी का प्रोसेस सिलेक्शन का क्या होगा राउटर आर फाइव के लिए राउटर आर फाइव के लिए प्रायोरिटी किसकी है राउटर आईडी की तो राउटर आईडी चूंकि हमने कॉन्फ़िगर किया है .0 .0 तो R5 के लिए क्या इसी तरह राउटर आर फोर के लिए राउटर आई डी अब वन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट फोर सिलेक्ट हो जाएगा लेकिन रिमेनिंग थ्री राउटर्स हमने राउटर आईडी कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा उस पर वही लूप बैक ड्रेसेज कन्फिगर हैं तो उन उनका जो राउटर आईडी है वही लूप बैक वाला होगा राउटर आर वन का वन डॉट वन डॉट वन डॉट वन राउटर आर टू का टू डॉट टू डॉट टू डॉट टू राउटर आर थ्री का थ्री डॉट थ्री डॉट थ्री डॉट थ्री तो अब इनमें इलेक्शन प्रोसेस जब हम देखेंगे तो हाइएस्ट आईपी अब इनमें आर थ्री का बनता है थ्री डॉट थ्री डॉट थ्री डॉट थ्री तो ये डी आर सिलेक्ट होगा देन बी डी आर ये आर टू सिलेक्ट होगा टू डॉट टू डॉट टू डॉट टू इस चेंजेस को हम लैब में इंप्लीमेंट करते हैं तो यहां पे हम राउटर R5 में हैं, तो राउटर R5 पे हम राउटर OSPF 1 और यहां पे राउटर आई डी सिलेक्ट करते हैं राउटर आई डी वन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट फाइव राउटर R5 पे हमने राउटर आई डी सिलेक्ट की तो यहां पे अब देखें वो हमें मैसेज एक वार्निंग आ रही है कि रीलोड और यूज क्लियर आईपीओएसपीएफ प्रोसेस क्योंकि राउटर आई डी हमने कॉन्फ़िगर किया है तो अब क्लियर करेंगे प्रोसेस को तभी ये राउटर आईडी जो हमने कॉन्फ़िगर किया है ये इंप्लीमेंट होगा या हमें रिलोड करना होगा राउटर को रिबूट करना होगा तो हम यहां पे क्लियर करते हैं क्लियर आई पी पी एफ प्रोसेस तो ये ओस पी एफ का प्रोसेस दोबारा रन होगा और जब दोबारा रन होगा तो हम देखेंगे कि शो आई पी पी एफ इंटरफेस गी एथर्ट जीरो बाई जीरो और अब हम देख सकते हैं कि राउटर आईडी सिलेक्ट हो गया है 1.0.0.5। अब हमें राउटर आईडी R4 पे भी चेंज करना है तो हम R4 को ओपन करते हैं यहां पे हम राउटर OSPF प्रोसेस आई डी वन और यहां पे हम राउटर आईडी सिलेक्ट करते हैं 1.0.0.4 और ये हमें कह रहा है कि हमें क्लियर प्रोसेस करना होगा तो हम यहां पे क्लियर प्रोसेस करते हैं क्लियर आई पी एफ प्रोसेस ये हमने क्लियर कर दिया हम राउटर R4 पे हैं और यहां पे अब हम शो आई पी ओसपीएफ प्रोसेस देखते हैं शो आई पी ओसपीएफ नेबर तो अभी इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है हम वेट करते हैं ये स्टेट्स जो हैं, देखते हैं कि डी आर और पीडीआर कौन कौन सेलेक्ट होता है अभी तक तमाम राउटर्स की स्टेट स्टेट जो है वो डी आर अदर है तो DR जो है वो राउटर आर थ्री सिलेक्ट हो रहा है अभी फुल तो ये फुल हो चुका है तो थ्री डॉट थ्री डॉट थ्री डॉट थ्री जो है ये DR हुआ। और टू डॉट टू डॉट टू डॉट टू जो है प्रायोरिटी की बेस पे क्योंकि राउटर आई डी थ्री डॉट थ्री डॉट थ्री डॉट थ्री अब हाइएस्ट था और देन नेक्स्ट हाइएस्ट टू डॉट टू डॉट टू डॉट टू था आर फाइव का राउटर आई डी वन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट फाइव है और वो एज अ डी आर अदर सिलेक्ट हुआ है और राउटर R4 पे हम ये कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं तो शो आई पी ओ एस पी एफ इंटरफेस गी गैथन जीरो बाई जीरो को अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी स्टेट डी आर अदर है राउटर आई डी इसका वन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट फोर है और यहाँ से हमें पता लग रहा है कि डेजिग्नेटेड राउटर थ्री डॉट थ्री डॉट थ्री डॉट थ्री है जो कि राउटर आर थ्री है और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर टू डॉट टू डॉट टू डॉट टू है जो कि राउटर आर टू है अब हम कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी और चेंजेस करते हैं और इस बार हम राउटर R1, R2 और R3 थ्री इन पे भी राउटर आई डी कन्फिगर करते हैं राउटर R1 पे 1.0.0.1, राउटर R2 पे 1.0.0.2, राउटर R3 पे 1.0.0.3। राउटर R4 और R5 पे हम ऑलरेडी राउटर आई डी कन्फिगर कर चुके हैं और इन्हें इंप्लीमेंट कर चुके हैं तो अब इस नेटवर्क में राउटर आई डी भी कंफिगर हो चुके हैं तो हम देखेंगे कि इन तमाम राउटर्स के हाइएस्ट राउटर आई डी जो है उनकी बेस के ऊपर सिलेक्शन होगी तो इन हाइएस्ट राउटर आईडी बेस के ऊपर 1.0.0.5 हाईएस्ट है तो राउटर आर फाइव डी आर सिलेक्ट होगा और आर फोर जो है ये बी डी आर सिलेक्ट होगा और रिमेनिंग थ्री राउटर्स जो है वो डी आर अदर कहलाएंगे तो हम कॉन्फ़िगरेशन को इंप्लीमेंट करते हैं राउटर R1 को हम ओपन करते हैं और यहाँ पे हम राउटर ओ एस पी एफ प्रोसेस आई डी वन है और यहाँ पे राउटर आई डी करते हैं वन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट वन तो ये हमें कह रहा है कि क्लियर आई पी पी एफ की कमांड से क्लियर आई पी ओ एस पी एफ प्रोसेस की कमांड रन की जाए तो ये कमांड जब हम रन करेंगे तो अब हम देखेंगे शो आई पी ओ एस पी एफ इंटरफेस की गई थर्ट जीरो बाई जीरो तो अब हम देख रहे हैं कि राउटर आई डी वन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट वन सिलेक्ट हो चुका है राउटर आर वन पे राउटर आर टू की अब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो राउटर आर टू पे भी हम राउटर ओ एसपीएफ प्रोसेस आई डी वन और यहां पर हम राउटर आईडी सिलेक्ट करते हैं वन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट टू यहां पर भी हमें क्लियर आईपी ओ एस पी एफ प्रोसेस और इसके बाद हम देखेंगे कि शो आई पी ओएसपी एफ इंटरफेस की गेट जीरो बाई जीरो तो हम यहां पे देख सकते हैं कि राउटर आई डी वन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट टू राउटर आर टू पे सिलेक्ट हो चुका है राउटर आर थ्री पे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं राउटर आर थ्री पे भी राउटर ओ एस पी एफ प्रोसेस आई डी वन और यहां पे हम राउटर आईडी डी वन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट थ्री सिलेक्ट करते हैं और प्रोसेस को क्लियर करते हैं क्लियर आईपी पी प्रोसेस तो यहां पे अब हम वेरीफाई करते हैं शो आईपी पी इंटरफेस गीगा इथरनेट जीरो बाई जीरो तो हम यहां पे देख सकते हैं कि राउटर आईडी डी वन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट थ्री जो है ये सिलेक्ट हो चुका है राउटर आर थ्री पे अब हम राउटर आर थ्री पे हैं और हम शो आई पी नेबर करते हैं तो अभी हम देख पा रहे हैं कि वन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट फाइव जो है वो डी आर सेलेक्ट है तो बी डी आर अभी तक हमें कोई नहीं शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि इट्स पॉसिबल कि राउटर आर थ्री बी डी आर सेलेक्ट हुआ है इसे हम देखते हैं शो आई पी ओस पी एफ इंटरफेस गीगाथनेट जीरो बाय जीरो शो आई पी ओस पी एफ इंटरफेस गीगाथनेट जीरो बाय जीरो यहां पर हम देख सकते हैं कि राउटर आर थ्री जो है ये डीआर अदर सिलेक्ट हुआ है तो बी डी आर जो है वो वो भी वन डॉट वन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट फाइव फाइव राउटर आईडी सिलेक्ट हुआ तो क्योंकि अभी तक हमने ये चेंजेस इंप्लीमेंट की हैं हम दोबारा से शो आई पी ओ नेबर देखते हैं तो बी डी आर जो है अब वन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट फोर सिलेक्ट हो चुका है तो प्रोसेस अभी इन प्रोसेस था बी डी आर अभी तक सेलेक्ट नहीं हुआ था तो अभी बी डी आर सिलेक्ट हो चुका है तो अब अगर हम दोबारा गीगा स्टेट्स चेक करें तो ये डी आर अदर है हम राउटर आर थ्री पे है डेजिग्नेटेड राउटर, राउटर अब वन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट फाइव है जो कि राउटर आर फाइव है और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर अब वन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट फोर है जो कि राउटर आर फोर है शो आई पी OSPF, नेबर और बाकी राउटर्स राउटर आर वन डी आर अदर है राउटर आर टू डी आर अदर है और राउटर आर थ्री जिसके ऊपर हम ये कंफिग्रेशन देख रहे हैं ये भी डी आर अदर है जिसे हमने शो आई पी इंटरफेस गीकाबिट इथनेट जीरो बाई जीरो की कमांड से वेरीफाई किया जिसकी स्टेट जो है वो डी आर अदर है तो अब हम फाइनली ओ एस पी एफ प्रियोरिटी की तरफ आते हैं जिसकी वैल्यू जीरो से दो सौ पचपन तक हो सकती है और अब इस टोपोलॉजी में हम क्या करेंगे हमने राउटर R2 को DR बनाना है तो हम इसकी प्रायोरिटी टू डबल फाइव सेलेक्ट करेंगे हम राउटर R3 को BDR बनाना चाहते हैं तो इसकी प्रायोरिटी को हम 100 सेट करेंगे और देन हम इंपैक्ट को चेक करेंगे कि किस तरह से राउटर R2 DR डी सेलेक्ट होता है और राउटर R3 PDR पी सेलेक्ट होता है DR और BDR डी इलेक्शन प्रोसेस में प्रायोरिटी की बेस पे तो हम राउटर R3 पे हैं और R3 राउटर की हमने प्रायोरिटी को 100 सेट करना है तो हम कन्फिक टर्मिनल इंटरफेस इथरनेट जीरो बाय जीरो और यहां पे आई पी ओ एस पी एफ प्रियोरिटी यहां पर हम इसकी प्रायोरिटी को वन हंड्रेड सेट करते हैं अब हमने यहां पे इसकी ओएसपीएफ प्रायोरिटी जो है वन हंड्रेड सेट कर दी है देन हम राउटर आर टू पे कन्फिक टर्मिनल इंटरफेस की गथनेट जीरो बाई जीरो और यहां पे आई पी ओएसपी एफ प्रियोरिटी टू डबल फाइव दो सौ पचपन सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन इनकी इनका इम्पैक्ट अभी नहीं आएगा अगर हम राउटर आल्टो पे शो आई पी ओएसपी एफ नेबर करें तो हम देखेंगे कि अभी तक इनका इम्पैक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जबकि प्रायोरिटी जो है वो हमें रिसीव हो रही है कि ये सेट हो गई है तो अब हमें क्या करना होगा हमें डी आर और बी डी आर के ऊपर ये क्लियर आईपी प्रोसेस करना होगा राउटर आर फाइव पे और राउटर आर फोर पे तो हम राउटर आर फाइव को ओपन करते हैं और यहां पे क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस करते हैं देन हम राउटर आर फोर को ओपन करते हैं और इसपे भी क्लियर आई पी ओ एस पी एफ प्रोसेस करते हैं क्योंकि ये बी डी आर था जिसने डी आर बन जाना था तो अब हम राउटर आर फोर पे और शो आई पी एफ नेबर की कमांड रन करते हैं तो प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ डी आर बी डी आर का अभी तक सबकी स्टेट डी आर अदर है और अब हम देख पा रहे हैं कि प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है तो अब प्रायोरिटी जो है वो टू डबल फाइव वन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट टू की है तो ये डी आर सिलेक्ट हो चुका है नेक्स्ट प्रायोरिटी जो है वो वन हंड्रेड है राउटर आर थ्री की जो कि बी डी आर सिलेक्ट हो चुका है और रिमेनिंग राउटर जो है, वो उनकी DR है। हम राउटर आर फोर पे हैं अगर राउटर आर फोर की हम स्टेट चेक करना चाहें शो आईपीएफ इंटरफेस गीकानेट जीरो हम इसकी स्टेट देख सकते हैं इसकी स्टेट भी डी आर अदर है और डेजिग्नेटेड राउटर कौन है 1.0.0.2 जो कि राउटर R2 है और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर कौन है 1.0.0.3 जो कि राउटर R3 है। तो यू एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में डी और बी का इलेक्शन प्रोसेस होता है हमने डिटेल में इसकी कंफिग्रेशन को देखा तो यह जरूरी है कि हम इस नेटवर्क में प्रायोरिटी सेट करें ओ की प्रायोरिटी सेट करें ताकि हम उस टोपोलॉजी के मुताबिक डीआर को सिलेक्ट करेंगे कौन सा राउटर डी रहेगा और कौन सा पीडीआर रहेगा फर्दर ये सिलेक्शन जो है वो उसी प्रोसेस की बेस पे होती है कि सबसे पहले ओसपीएफ प्रायोरिटी देखी जाती है देन राउटर आईडी और राउटर आईडी में सबसे पहले राउटर आईडी को देखा जाएगा देन हाइएस्ट लूबैक को देन हाईएस्ट आईपी एड्रेस को और एक चीज जो हमने और देखी कि हमें ये राउटर आईडी या लूबैक एड्रेस कंफिगर करने के बाद हमें ओसपीएफ के प्रोसेस को रीस्टार्ट करना पड़ता है अगर हम राउटर आईडी सेलेक्ट एंटर करेंगे तो हमें क्लियर ओएसपीएफ प्रोसेस करने से हमारा काम चल जाएगा राउटर आई डी सिलेक्ट हो जाएगा लेकिन अगर हम लूप बैक अड्रेस ओएसपीएफ प्रोसेस चलाने के बाद अगर लूप बैक अड्रेस कन्फिगर करते हैं तो हमें ओएसपीएफ के प्रोसेस को दोबारा से रन करना होगा नो no ओसपीएफ हमें करना होगा और देन हमें दोबारा से ओएसपीएफ का प्रोसेस कन्फिगर करना होगा अदरवाइज सबसे पहले लूपबैक एड्रेस को कंफिगर किया जाए देन ओएसपीएफ के प्रोसेस को रन किया जाए डी और बी के इलेक्शन प्रोसेस को हम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में डी और बी का इलेक्शन प्रोसेस नहीं होता लेकिन बाय डिफॉल्ट पॉइंट टू पॉइंट लिंक की अगर हम बात करें तो उसमें ओ सिस्को आईओस राउटर्स में जो इंटरफेस की स्टेट होती है वो बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट होती है अगर हम इस नेटवर्क की बात करें तो इस नेटवर्क में राउटर आर और आर के दरमियान ये जो लिंक है यह पॉइंट टू पॉइंट लिंक है लेकिन बाय डिफॉल्ट राउटर की इन इंटरफेसिस की जो स्टेट है वो ब्रॉडकास्ट होगी तो क्या होगा इनमें भी डीआर आर और बीडीआर का इलेक्शन प्रोसेस होगा तो और वही इलेक्शन प्रोसेस प्रायोरिटी हमने अगर सेट नहीं की तो राउटर आईडी और राउटर आईडी में राउटर आईडी देखा जाएगा देन लूप बैक अड्रेस और देन आईपी आईपीड्रेस की बेस के ऊपर डीआर और बीडीआर सेलेक्ट होगा क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है दो ही राउटर इन्वॉल्व है तो एक राउटर हाइएस्ट राउटर आई डी की बेस पे डी आर सेलेक्ट हो जाएगा दूसरा बी डी आर सेलेक्ट हो जाएगा और अगर हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस इनमें ना चले तो हमें क्या करना होगा उस इंटरफेस के ऊपर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप कन्फिगर करनी होगी जिसे हम कन्फिग्रेशन में देखते हैं तो इस लैब में हम राउटर R1 और R2 के दरमियान ये जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक है इनके दरमियान ओ की कन्फिगरेशन करेंगे तो राउटर R1 की हम कन्फिग्रेशन करते हैं राउटर आर वन पर अगर हम शो आई पी इंटरफेस ब्रीफ करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास गीकाबेट इथर्नेट जीरो बाई जीरो को हमने कन्फिगर किया है वन सेवेंटी टू वन सिक्स वन डॉट वन इसका आई पी एड्रेस है हम यहाँ पर ओस पे फिर कन्फिग्रेशन करते हैं राउटर ओ एस पी एफ प्रोसेस आई डी वन और देन हम यहाँ पे नेटवर्क और कंप्लीट नेटवर्क मैंशन कर देते हैं नेटवर्क जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो टू डबल फाइव टू डबल फाइव टू डबल फाइव टू डबल फाइव और देन हम एरिया आई डी जीरो। अब हम यहां पे शो आई पी ओ एस पी एफ जीरो जीरो। इसे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास राउटर आईडी जो सिलेक्ट हुआ है वो है वन सेवेंटी टू वन सिक्स वन डॉट वन हमने लूप बैक ड्रेस कन्फिगर नहीं किया इसी तरह राउटर आर टू की हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ अगर हम करें तो हम देख सकते हैं कि राउटर आर वन के साथ गीकाबेट इथरनेट वन बाई जीरो इंटरफेस है जिसका आईपी है वन सेवेंटी टू वन सिक्स वन डॉट टू तो हम यहाँ पे राउटर ओ एस पी एफ डी वन और यहाँ पे भी हम नेटवर्क जीरो डॉट ज़ीरो डॉट जीरो डॉट जीरो और टू डबल फाइव टू डबल फाइव टू डबल फाइव टू डबल फाइव वाइल्ड कार्ड और एरिया ज़ीरो में से कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर आर वन और आर टू के दरमियान नेबरशिप जो है वो अस्टैब्लिश हो चुकी है शो आई पी ओ एस पी एफ इंटरफेस गीकाथनेट वन बाय जीरो आर टू अगर हम करें तो हम देख सकते हैं कि इसका राउटर आई डी वन सेवेंटी टू वन सिक्स वन डॉट टू फाइव थ्री हुआ है अब यहाँ पे राउटर आई डी टू फाइव थ्री क्यों हुआ है क्योंकि राउटर आर टू जो हाइएस्ट आई पी एड्रेस है अगर हम शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करें तो हम यहां देख सकते हैं कि हाईएस्ट आईपी एड्रेस जो एक्टिव इंटरफेसेस पे कन्फिगर्ड है वो ये है वन सेवेंटी टू वन सिक्स वन डॉट टू फाइव थ्री तो राउटर आई डी हाइएस्ट सेलेक्ट हुआ है और अगर हम इंटरफेस को दोबारा देखें तो हम इसे देख सकते हैं कि बाई डिफॉल्ट ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है लेकिन नेटवर्क टाइप ब्रॉडकास्ट तो इसकी वजह से इस पर डी और बी का इलेक्शन प्रोसेस होगा तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डेजिग्नेटेड राउटर कौन है वन जो कि राउटर R1 है और बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर कौन है वन जो कि R2 है अब यहाँ पे हम शो आई पी ओएसपी एफ नेबर अगर करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वन सेवेंटी के साथ फुली नेबरशिप बनी है जो कि डी है मीन्स कि डी राउटर R1 है अब अगर हम चाहते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट इन लिंक्स में डी और बी का इलेक्शन प्रोसेस ना हो तो हमें क्या करना होगा हम राउटर आर पे हैं तो राउटर आर पे हमें गीगा इथरनेट वन बाय जीरो और यहां पे हमें आई पी ओ एस पी एफ नेटवर्क सेलेक्ट करना होगा पॉइंट टू पॉइंट इसे सिलेक्ट करने के बाद हमें प्रोसेस जो है वो क्लियर हो जाएगा और इसी तरह अब हमें राउटर R1 पे भी इस कॉन्फ़िगरेशन को करना होगा तो राउटर R1 पे भी हमें इंटरफेस और यहां पे गीटीएफ नेटवर्क हमें पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्ट करना होगा तो प्रोसेस जो है वो क्लियर होगा और उसके बाद दोबारा एस्टेब्लिश होगा तो अब हम यहां पे देख सकते हैं शो आई पीओ नेबर और इस बार हम देख सकते हैं कि डी और बी की कोई स्टेट नहीं है क्योंकि ये एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक है तो यहां पे अगर हम शो आई पी ओ एस पी एफ इंटरफेस गी गट जीरो बाई जीरो करें अब यहां पे इस नेटवर्क की टाइप को हम देख सकते हैं कि नेटवर्क की टाइप पॉइंट टू पॉइंट है और पॉइंट टू पॉइंट लिंक में डी और बी की सिलेक्शन नहीं होती तो हमने राउटर R1 और R2 के दरमियान जब इस लिंक को नेटवर्क टाइप इन इंटरफेसेस की पॉइंट टू पॉइंट कन्फिगर की तो हमने देखा कि इनमें डी और बी का इलेक्शन प्रोसेस नहीं होता कोई डी और बी डी सिलेक्ट नहीं होता और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने देखी कि राउटर आर टू जब हमने कोई लूपबैक बैक नहीं था कोई राउटर आईडी हमने कंफिगर मेनुअली नहीं किया था तो एक्टिव इंटरफेसिस पे हालांकि राउटर R2 और R1 के दरमियान जो लिंक है उसका आईपीड्रेस वन सेवन है राउटर आर पे लेकिन दूसरी तरफ R3 के साथ जो कनेक्टेड इंटरफेस है जिसका आईपीड्रेस एड्रेस वन सिक्स था चूंकि वो हाइएस्ट आईपीड्रेस था राउटर तो R2 का राउटर आईडी हाईएस्ट आईपी आईपीड्रेस की बेस के ऊपर सिलेक्ट